Hello everyone, a very welcome to this channel whose name is thestrongandclassygirls.com। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक मोटिवेशनल स्टोरी। तो गाइज़ ये स्टोरी है दो पत्थरों की। ओके, क्या होता है कि एक बार एक आर्टिस्ट होता है जो कि एक जंगल से जा रहा होता है। वो जैसे ही जंगल में थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो वहाँ पर उसे एक पत्थर नज़र आता है। तो आर्टिस्ट सोचता है कि ये पत्थर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मजबूत दिख रहा है, तो उस पत्थर से वो एक मूर्ति बनाने की कोशिश करता है। इसके लिए वो अपने हथियार अपने बैग से बाहर निकालता है, अपने टूल्स निकालता है। वो जैसा ही पहला वार करने वाला होता है पत्थर के ऊपर, पत्थर की तरफ से एक आवाज़ आती है और पत्थर ये कहता है कि प्लीज़ मुझ पर वार मत करो, मुझे मत तोड़, मुझे कष्ट मत पहुँचाओ। तो ये सुनकर जो आर्टिस्ट होता है वो थोड़ा सा चिंतित हो जाता है, वो समझ नहीं पाता कि अब वो क्या करे। लेकिन क्योंकि पत्थर खुद से ही रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि उसे हानि ना पहुंचाई जाए, तो वो आर्टिस्ट सोचता है कि इसे कष्ट नहीं देना चाहिए। तो आर्टिस्ट दिलेर होता है, वो आगे बढ़ जाता है। आर्टिस्ट जैसे ही आगे बढ़ता है, थोड़ी दूर और जाता है, जंगल में थोड़ा और अंदर जाता है, उसे एक और पत्थर नज़र आता है। आर्टिस्ट सोचता है ये पत्थर भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, काफ़ी मजबूत दिख रहा है। वो सोचता है ठीक है, चलो इस पर ट्राई करके देखते हैं, इससे एक मूर्ति बना के कोशिश करते हैं। आर्टिस्ट फिर से अपने सारे टूल्स निकालता है और इस बार वो उस पत्थर से एक मूर्ति बनाता है। वो पत्थर रेजिस्ट नहीं करता है, वो पत्थर उस चोट को, आर्टिस्ट के दर्द को सह लेता है और एक मूर्ति का आकार ले लेता है। अब आर्टिस्ट सोचता है कि मूर्ति तो बन चुकी है, लेकिन चूंकि मूर्ति काफ़ी भारी बन जाती है तो वो अकेला उस मूर्ति को वहाँ से ले नहीं जा पाता है। तो आर्टिस्ट सोचता है ठीक है, अभी इस मूर्ति को इसी जंगल में छोड़ देते हैं, जब वापस आएंगे तो इस मूर्ति को यहाँ से ले जाएंगे। आर्टिस्ट जंगल क्रॉस कर जाता है, वो एक गाँव में पहुँचता है। वो जैसे ही गांव में पहुंचता है, वहां जो गांव के वासी होते हैं उस आर्टिस्ट को देखते ही कहते हैं आइए आइए, आप ही का इंतज़ार था, जल्द से जल्द इस मंदिर के शुभारंभ के लिए एक मूर्ति का निर्माण कीजिए। आर्टिस्ट बोलता है मूर्ति निर्माण करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने मूर्ति पहले से ही बना कर रखी है, वो बस जंगल में है, हम लोगों को जा करके उसे उठा करके लाना है। गाँव वाले ये बात सुनकर काफ़ी खुश हो जाते हैं, वो आर्टिस्ट के साथ जंगल में जाते हैं और उस मूर्ति को सम्मानपूर्वक उठाकर लाते हैं और मंदिर में स्थापित कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, गांव वाले एक और इच्छा प्रकट करते हैं और ये कहते हैं कि हमें एक और पत्थर की आवश्यकता होगी जो कि हम इसी मूर्ति के सामने रखेंगे और उस पर नारियल फोड़ेंगे। आर्टिस्ट गाँव वाले की बात को सुनकर ये कहता है दूसरा पत्थर भी है, जंगल में ही मैंने एक और पत्थर देखा था जो कि काफ़ी मजबूत भी है, काफ़ी अच्छा भी है, हम वापस से जाएंगे और उस पत्थर को उठा करके लाएंगे और उसे यहाँ पर रख देंगे और उस पर नारियल फोड़ा जाएगा। आर्टिस्ट और गांव वाले वापस जाते हैं और जो पहला पत्थर होता है उससे उठा करके लाते हैं और मंदिर के सामने रख देते हैं, मंदिर की जो मूर्ति होती उसके सामने रख देते हैं। अब क्या होता है, जो दूसरा पत्थर होता है जिसके ऊपर हथौड़ी छेनी का वार हुआ होता है और उसने उस संघर्ष को झेला होता है, उस पत्थर की मूर्ति बन जाती है। लोग उसकी पूजा करते हैं, उसकी आरती की जाती है, लोग वहाँ पर नतमस्तक होते हैं, अपना सर झुकाते हैं, वहाँ पर प्रेयर करते हैं। और जो पहला पत्थर होता है जो कि उस पहले वार से घबरा गया था और खुद ही रोने लगा था और खुद ही आर्टिस्ट से ये बोला था कि मुझे प्लीज़ चोट मत पहुँचाओ, आज उस पत्थर के ऊपर नारियल फोड़ा जाता है। जो पहला पत्थर होता है उस दूसरे पत्थर से कहता है कि वाह भाई तेरी तो काफ़ी ऐश हो गई, तेरी किस्मत देख और मेरी किस्मत देख, तेरे सामने सब लोग पूजा करते हैं और मेरे सामने सब लोग आकर नारियल फोड़ देते हैं। मतलब पहले पत्थर के, सॉरी, जो दूसरा पत्थर होता है उसके सामने, मतलब उसकी सब पूजा करते हैं और जो पहला पत्थर होता है उस पर सब लाके नारियल फोड़ देते हैं। तो उस पर दूसरा पत्थर कहता है अगर उस दिन तुमने वो पहला वार सहन कर लिया होता, अगर उस दिन तुमने उस संघर्ष को झेल लिया होता तो आज तुम्हारी ये दशा नहीं होती, और अगर उस दिन मैंने
उस आर्टिस्ट को अपने ऊपर काम नहीं करने दिया होता, अगर उस आर्टिस्ट की बात नहीं सुनी होती, अगर उसका वो संघर्ष, उसकी उस चोट को नहीं सहा होता जो कि वो मुझे केवल इसलिए दे रहा था ताकि वो मुझे कुछ और बना सके, मुझे और निखार सके, तो आज मेरी पूजा नहीं की जाती। तो गाइज, मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर ईश्वर हमें कष्ट देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर हमें हराना चाहता है। ईश्वर हमें कष्ट इसलिए दे रहा है क्योंकि वो हमें कुछ और बनाना चाहता है, हमें और निखारना चाहता है। ओके, अगर हम लोग कष्ट आने पे घबरा जाएंगे, प्रेशराइज हो जाएंगे, तो हो सकता है लाइफ में वो अचीवमेंट हासिल ना कर पाए जो ईश्वर हमें देना चाहता है। लेकिन अगर हम लोग संघर्ष करेंगे, अगर भगवान पर भरोसा रखेंगे और अगर अपने कर्मों पर ध्यान देंगे, तो हम लाइफ में वो सब कुछ अचीव कर पाएंगे जो शायद हमने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन ईश्वर ने हमारे लिए प्लान करके रखा है। ओके, तो गाइज, आई थिंक आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आपको इस स्टोरी से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। गाइज, अगर अभी तक आप हमारे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है, तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। कम से कम उनके साथ तो ज़रूर शेयर कीजिए जिनके बारे में आपको ऐसा लगता है कि उन्हें शायद इस स्टोरी की थोड़ी सी ज़रूरत हो, और अगर वो इस ऐसी टाइप की स्टोरी सुनेंगे तो उनके लाइफ में थोड़ा मोटिवेशन आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी इस चैनल पर नए नए वीडियोस अपलोड होंगे आपको उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। Thank you very much for listening this video and thank you very much for watching this video. Thank you very much once again.